हेलो हाय, स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात दोस्तों। और मेरा कुक को देखना, आज छुट्टी है, आज है संडे, कल है 2 अक्टूबर गांधी जयंती, तो रात को पहले ही बोल दिया जाता है छुट्टी होगी तो कहते हैं कि उठाना ही मत। और मैं सोई थी, मेरा काजल देखना, अभी काजल कई दिन तक रहेगा आंखों पे लगा हुआ। बाहर लग गई है बहुत तेज धूप और बस अब तो मौसम एकदम चेंज। आपको मेरे कान दिखते होंगे ना इस तरीके से, ये ना मेरा कान पूरा फट चुका है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हूँ मैं। इतना सॉफ्ट कान है कि मतलब मैंने एक टाइप के टॉप्स पहने थे ना, तो टॉप से क्या होता है वेंटिलेशन नहीं होता, हवा नहीं जाती है कान, और मतलब आगे से भी पूरा बड़ा टॉप्स था, पीछे से इतना बड़ा प्लास्टिक वाला, तो हवा नहीं गई और ये कान ना तनी मांस इसका ऐसे पिघलता गया और पानी पानी जैसा, और मुझे पता ही नहीं चला कि कभी इतना बड़ा छेद हो गया। देखो कितना बड़ा होल है, तो मुझे इस पर टाँके लगाने, इसके कारण मैं इस पर एयरिंग भी नहीं पहन पाती हूँ। टॉप्स तो आर पार हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इस तरीके का पहनती हूँ। और इतने लाइट वेट है लेकिन कान फटे हैं तो खिसक जाते नीचे, तो मैं लगाऊंगी इस पर टाँके। टाँके तब लगाऊंगी जब मेरे हस्बैंड घर आ जाएंगे, उसके बाद जाऊंगी मैं उनके साथ। उसके बाद डर भी लग रहा है मुझे टाँके लगाने में, लेकिन लगाने हैं मैंने। तो चलिए मैं घुस गई हूँ किचन में, पहले मैं बनाती हूँ अपनी चाय और उसके बाद नाश्ता, उसके बाद ब्ला 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 झाड़ू पोछा। आज घाम लग गया दगड़ियों, तो आज घामाने के बाद होनुज में आज झाड़ू। मेरा झाड़ू पोछा हो गया है और आदर्श ने पूजा कर ली है और मैं नहाऊंगी अब नाश्ते के बाद। रोज हबड़ी तबड़ी हो जाती मेरी, अब किचन देखना जरा। रात को पूरा खाली करके गई थी, अभी सुबह सुबह पता नहीं क्या क्या फैलाया मैंने। दोपहर के 1 बज चुके हैं और मेरा नहाना अब हुआ है और साथ ही साथ खाना बन गया, और मैं नहा के आई तब तक भात मेरा फूक चुका है। आज भात फूक गया है दगड़ियों, फूकियाँ आ गई उस पर, देखते हैं कितना फूका हुआ है और कितना हम खा सकते हैं। और आज इतना लेट हो गया ना क्योंकि घर के काम निपटाते निपटाते बच जाते हैं 10-11, और आज बंदरों ने अटैक कर दिया फिर से, तो बंदरों को भगाते भगाते ऐसे अंदर बाहर अंदर बाहर। फिर कोको कह रहा मम्मी बदबू आ रही, बात फूके गया। हाँ फोड़ दे भांडा। डुगोर का काम होता है थाली और पानी और पानी और ग्लास वगैरह ले जाना, फिर खाना मैं लेके जाऊंगी। तो भात भी फूके गया दगड़ियों, मैंने अणु छाई और ये महाराज जिन सुनी नहीं देर है नहीं सुनी। अरे भस्मा शुरू हो गया रे बाद, आज फुकियाँ आ रही भयंकर, इनकी शक्ल देखना, ये नहाई नहीं और मैं नहा के आ गई, फिर भी इतनी गर्मी हो रही। हाँ धो दी, बदबू आ रही थी उस पर। चलो गाइस हम खाना खाते हैं, हम ले जाते हैं अपना भात का फूका हुआ प्रेशर। शाम गुलाबी सुबह गुलाबी, सनसेट होने वाला है, कितना अच्छा लग रहा है देखो, वाओ। और यहाँ घबरोल पार्टी, मतलब कि जनता पार्टी, सब डांट रहे हैं, कोई इधर डांट रहा है अपने बच्चे को, कोई उधर डांट रहा है बच्चे को। मैंने भी इनको डांट के अभी ऊपर बुलाया है, मोटा भाग नहीं पा रहा है, मोटे को देखो कैसे भाग रहा है। मोटा। नहीं, 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 नहीं। जा तो तुम दोनों, तुम नीलम और मंकु, तुम दोनों एक साथ जा पर पहले हम आएंगे, पहले हम आएंगे क्योंकि हमारा पास है। हम भैया उनको दो आगे, तेरा वजन कम करना है, चल चुप रह। कुकू कह रहा है डुगू को कि भाग भैया तेरा वजन कम करना है, कहाँ से मोटा दिख रहा तुझे है, उसका वजन तो कम नहीं हो रहा, तेरा हो रहा है साथ में। आप भी तो कहते हो, तो मैं तो मजाक में बोलती हूँ, कहाँ है वो मोटा, अपने को दे, तेरा वजन कम हो रहा है उसको भगाने के चक्कर में। दूध के लिए चल लो, सुहाना को देखना मेरा कुर्ता चबा रही है, खाना नहीं खाया तूने,
खाना नहीं खाया, कुर्ता चबा रही है मेरा कुर्ता। बोलो रात हो गई, रात हो गई और मैं घर नहीं जा रही हूँ, ताई के साथ घूम रहा हूँ। कुर्ता छोड़ दे मेरा, गाय के पास जाएगी, गाय के पास, इधर गाय मारेगी। ऐसे बोल, गाय हमारी माता है, माता है। चल, बैल हमारा पिता है, लाइट जा रही है, गपरोल पार्टी अभी तक खेलने पे लगी है, गपरोल पार्टी हमारी, ये देखो। और एक नया मेहमान आ रखा है, गौड़ी, ये पोल पर, पोल पर ये पोल लाइट भैया दो दिन में कुकुर का क्या नीलम, तुम्हारे हो गए पेपर, पेपर हो गए तुम्हारे, बाप रे तुम तो ऐसे खेल रहे हो मजे से, डुबोर के तो हो गए ले कन के दिखनी यार, ले बोली की देखो पैंट, हाँ घास नहीं खानो, अरे बीमार हूँ कुछ, ले डुब मान की जो है, अरे तो पैंट रस्सा रस्सी, प्यासे को पानी, घास भी नहीं खा रही, पता नहीं बीमार हो रही है, पी पी हाँ तभी तानो जो पानी दरू मेरा, अब तीस तीस लगने भी थे, बुबा चेर ले अब हो घास खा ले, इतनी घास है, इतनी घास छोड़ के घास भी नहीं खा रही है। चल अंदर, चलो अंदर चलो, इस घोड़ी के मालिक ने छोड़ दिया इसको, चल भी नहीं पा रही बेचारी, चलने में भी दिक्कत हो रही है इसको, पानी पानी पीना खवाने च बार बार घोड़ी। आज मैंने अपने फूलों में भी पानी नहीं डाला, मुरझा गए। तो दगड़ो हमारी सब्जी तैयार है कट के, और अब इसको मैं फटाफट से छौंक लेती हूँ। और सब्जी में काटा मैंने चार छोटी छोटी शिमला मिर्च, दो प्याज, दो आलू और एक टमाटर, और मैं बना रही हूँ अपने लिए वन कप ऑफ ब्रू। वो देखो चांद आ गया और यहाँ उबाल आ गया, तो मेरी रोटियाँ बन गई है। और बाहर गाय आ रखी है आजकल, तो एक रोटी देके आते हैं, गाय को भी देना है और व्हाट्सअप को भी देना है। तो आजकल चंद्रमा का उजाला इतना हो रखा है, बाहर की लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और बैठिए गाय, हाँ ले तू पीछे बहुत मेरे पग डरा अलमी गोड़न कुकरन गोड़ डरा मुझे, डर भी तो लग रहा है कैसे फूई, देख 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 आ गया उसकी रोटी खानी, देख मोर खाएगा भी, देख कैसे कैसे खड़ा है उसकी रोटी खाने के लिए, कल भी तूने गाय की रोटी खा ली थी, अब तुरको मैंने मार देना, मर गया मर गया। देख कैसे, देख तो कितना बदतमीज है ये, मार मार इसको, मार इसको। व्हाट्सअप नहीं छीन पाया आज रोटी, बदतमीज कहीं का, गाय घास खाएगी लेकिन। चल गाय चल भी नहीं पा रही पता, टट्टा आदित्य जा रहा है ऊपर का डोर क्लोज करने, और आदर्श कर रहा है मेन डोर क्लोज। और मेरे लिए बहुत सारा काम पड़ा है, हम खाना खा चुके हैं, और किचन बताऊं अपनी, बताने का मन भी नहीं कर रहा है लेकिन दिखाती हूँ आपको। यहाँ से शुरुआत हो चुकी है, और ये देखो
सब्जी काटी, उसके छिलके वहीं है और आटा वगैरह वगैरह सब पड़ा हुआ है अभी इधर, और ये पड़ा हुआ है बर्तनों का ढेर। तो पूरी किचन करते हैं क्लीन, फिर सुबह के लिए थोड़ा हल्का हो जाता है। तो चलो लगती हूँ मैं काम पे। क्या क्या ये अंदर अलमारी के अंदर डाल दे। जिसे बिछड़ के जिंदा है था। और ये देखो भस्मा शुरू रखा है, भस्मा शुरू सारा फूक गया है। अब इसको रगड़ने में मेरी आफत आने वाली है। क्या काला हो रखा है यार ये कड़कड़ा। क्या करूं हो गया। इधर मैंने दही जमाने रखी है और इधर मैंने साफ कर लिया है, भांडा धोए के धरे लियो। और बस उफ इतना खैर तो मैं तो कुछ काम करना नहीं आता। खैर में तो किचन साफ करना मान बहुत ही इरिटेटिंग काम लगता है, क्योंकि मुझे मेरी आदत है ना सब जगह सेट रखने की। तो रूम वगैरह तो सेट रहता है, उसमें क्या है सोना है उठना है बैठना है, लेकिन किचन में तो तीन तीन चार चार बार का दिन भर का आना जाना, पकाना धोना खाना, बड़ी आफत आ जाती है। चलो किचन भी मैंने साफ़ कर लिया। बच्चों ने दरवाज़े बंद करे हैं तो चेक कर लेती हूँ ठीक से करेगी नहीं करे। और ड्राइंग रूम की हालत देखना, जहाँ देखो बच्चों ने फैलाया रहता है। और मेरा सिरप भी ले जाते हैं, अभी इसमें तो कुछ है ही नहीं,
दूसरा वाला है। नियाणी नींद, तुम्हारे कोमल कोमल गाल गर्म करने पड़ेंगे तब इनको नींद आएगी। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अपने शयन कक्ष में, और अभी मैंने वैसे मतलब बर्तन धोने के बाद के हाथ नहीं धोए हैं मैंने, अभी हैंड वॉश करना है, थोड़ी सी अपनी शक्ल धोनी है, थोपड़ा धोते हैं और सो जाते हैं। तो चलिए गाइज, आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और बाल देखने कैसे हो रहे हैं मेरे खड़े टन टन। तो चलिए गाइज, ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड, और कल करेंगे नए दिन की शुरुआत करेंगे कल, और उसको देखो क्या बोलते हैं उसे, पिकाचू खड़खुटा का यहाँ खेलना नहीं है इनको, लेकिन वहाँ सिरानी की तरफ ढेर करके रख देंगे, फिर रात को मेरा हाथ लगता रहता है और मैं उठा के इनको नीचे फेंक देती हूँ फिर सुबह उठ के ये उठाएंगे। तो चलिए ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके, शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।